हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकम। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हम सबकी चाहती तानिया सिंह। तानिया, सबसे पहले तो क्या सुपर्ब सॉन्ग है, यू नो आपने गाया भी है, यू एक्टेड इन इट, लोकेशंस बहुत प्यारे हैं, लेकिन आपसे जानना चाहूँगा फीडबैक्स एंड रिएक्शंस कैसे रहे। अभी तक तो एवरीथिंग इज वेरी गुड, बहुत ही अच्छा फीडबैक मिल रहा है, लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, यूट्यूब पे व्यूज भी आ रहे हैं। सो जय माता दी, एवरीथिंग इज गुड, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड, नर्वस, ब्लेस्ड, ग्रेटफुल। सो यू नो आपके पापा, विल स्टार्ट विद दैट, अजीत सिंह सर, आई ऑलवेज फील के बहुत ही अंडररेटेड म्यूजिक डायरेक्टर रहे, उन्हें ड्यू नहीं मिला है, बट यू हैव गिवन अ ड्यू टू हिम। तो पुराना मंदिर में ये सॉन्ग था ओरिजिनली, यू नो मोनीश बैल की फर्स्ट हिट एंड शायद उनकी सोलो, बेचारे हमेशा कहते हैं मेरी सोलो एक ही हिट थी उस दौर में से, बट वो गाना उस वक्त बहुत हिट था, आज धीरे धीरे लोग भूल गए एंड यू हैव रिवाइव्ड दैट सॉन्ग। तो कुछ बताइए उस मेमोरीज के बारे में। ये गाना एक्चुअली हमारे पूरे फैमिली के लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि इट्स ऑल्सो वन ऑफ आर फेवरेट सॉन्ग्स हमारे फैमिली में, और बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। तो जब मैंने डिसाइड किया इन माई टीन्स, लेट टीन्स, के आई वॉन्ट टू सिंग, तो मैंने पापा को बोला कि पापा मुझे यही गाना गाना है आपका, क्योंकि ये गाना हमारे बहुत क्लोज रहा है हमेशा। तो व्हेन आई एक्चुअली डेब्यूड एज अ सिंगर, तो मैंने इसी गाने के साथ अपना लॉन्च किया था। तो अभी काफ़ी लंबा गैप हो गया, और कोविड के दौरान पापा भी चले गए, और एक दिल में एक आवाज़ आती गई कि यू नो कि काश ये करते, काश वो करते, जब वो होते तो उनके साथ रिकॉर्ड करती, ये करती, लेकिन नहीं हुआ, यू नो थिंग्स हैपेंड, साल बीत गए, एंड पता नहीं, आई जस्ट फील कि पापा है और मुझे बोल रहे कि करो करो, अभी नहीं तो कभी, कभी नहीं। तो इसके लिए मैंने डिसाइड किया कि व्हेन आई कम बैक, जी मैं अपना शुरुआत रीस्टार्ट वापस इसी गाने से करूँगी। तो जो सॉन्ग की आपने बात की, ऑफ कोर्स आई ऑलवेज बिलीव इन दैट, मैंने रेडियो पे भी अक्सर कहा है कि वो सॉन्ग से आपने 84 के सॉन्ग को एक वापस न्यू लाइफ दी थी, यू नो पीपल स्टार्टेड रीविजिटिंग दैट, आशा जी का वर्जन, योर डैड का वर्जन, वो सुनने लग गए थे पूरा दैट एंटायर थिंग। तो वो और वो सॉन्ग में और इसमें क्या डिफरेंस क्या है? अब यू टॉकिंग अबाउट द 84 वाला, कि 84 अभी 2000, तो जो था ही, उसके बाद जो आपके सॉन्ग में और दिस वन। सी 84 वाज लाइक टोटल बॉलीवुड स्लो बैलेट स्टाइल, करेक्ट। फिर जो 2000 में जो पॉप का दौर चल रहा था, शुरू हुआ था, तो वो था उस टाइम का पॉप फील। और ये जो धड़कन, राइट, धड़कन एल्बम का नाम था, तो पहला गाना जो रिलीज हुआ था यही था, वो बीते दिन याद है, राइट। और अब जो हमने किया है, वी हैव रीवैम्प्ड द होल थिंग, रीविजिटेड इट, उसको पूरा रीप्रोग्रामिंग करके उसमें नए लिरिक्स भी डाले हुए हैं, और फील इज लाइक इट्स स्टिल मेलोडी सेम है, करेक्ट, और ए वेरी कंटेम्प्रेरी फील विद गुड हाउस बीट्स, क्योंकि आजकल के जो जनरेशन को है उनको थोड़ा सा और लाइवली पेपी क्यों ना दें, विद अ पॉप फील, तो वो पॉप कल्चर वापस लाने की कोशिश में है। सो द लोकेशंस आर लुकिंग फैंटास्टिक, कुछ बताइए उस शूटिंग प्रोसेस के बारे में। लोकेशंस हम वी शॉट दिस वीडियो इन इस्तांबुल, विच इज़ एन अमेजिंग प्लेस, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो जब मेरे डायरेक्टर ने बोला कि हम इस्तांबुल में करते हैं, फ्रेश लोकेशंस होंगे और एक्टर भी उधर से लेते हैं, बिकॉज ही ऑलरेडी न्यू दिस एक्टर उर, तो मैंने तो आई तो जम्प्ड, आई सेड या, बिकॉज आई सेड बजट में होगा कि नहीं, फर्स्ट में, बिकॉज मैंने खुद प्रोड्यूस किया है इसको, तो आई सेड ये बजट में होगा कि नहीं, बोलता हम कर लेंगे, डोंट वरी, जय माता दी। तो देन वी वेंट टू इस्तांबुल, और वहाँ के जो लोकेशंस है, दे आर सो लाइक, आप अग्री करेंगे शायद कि दे नॉट बीन सीन बिफोर, राइट, तो फ्रेश लग रहा है ना फर्स्ट शॉट से ही, वो पूरा ट्रैम वाला सीन, एंड मतलब माय मिशन, आवर मिशन इज अकम्प्लिश्ड, या इट्स लुकिंग फ्रेश, एंड दैट वाज द इंटेंशन कि कुछ फ्रेश करें, क्योंकि इतने टाइम के बाद मैं कुछ कर रही हूं, तो इट शुड लुक फ्रेश, एंड आई होप इट कम्स अक्रॉस टू द ऑडियंसेस एंड दे लाइक इट। सो डैड के म्यूजिक की भी, अगर उनके और भी बहुत सारे फिल्मों में, उन्होंने रामसे की बहुत सारी फिल्मों में म्यूजिक दिया था, तहखाना अ फैंटास्टिक सॉन्ग्स, ही डिड कपल ऑफ टीवी सीरियल्स आल्सो, देख भाई देख, दैट वाज द बिगेस्ट वन, यू नो अ नेशनल एंथम हो गया था वो सॉन्ग एक्चुअली। तो कुछ वो उस दौर से बताइए। उस टाइम हम लोग बहुत यंग थे, मतलब वेरी छोटा सा लाइक, बट आई रिमेम्बर कि हाँ काफ़ी सारे गाने थे, वी तो ग्रोन अप उनके गाने ही सुनते ना, मतलब कभी भी कोई भी पार्टी होती है, पार्टी ना भी होती, तो पापा गिटार के साथ बैठ के, एंड द बेस्ट थिंग अबाउट हिम वाज दैट उनको माइक की भी ज़रूरत नहीं थी, उनका वॉइस थ्रो और जो बेस होता था ना, मतलब हर एक शाम, मतलब एवरी ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे हम बैठ के ओनली पापा एंड द गिटार, और हम लोग सब ताली मार रहे हैं, सिंगिंग अलॉन्ग विद हिम। आपका एक और सॉन्ग था चुपके चुपके चोरी चोरी, विच वाज आल्सो सुपर पॉपुलर, अगेन बहुत सारे चार्ट नंबर वन पे था काफ़ी, उसे कुछ प्लान्स है उसे रिवाइव करने का? अभी तो ये रिलीज हुआ है जी, सेकंड वाला एक ओरिजिनल कॉम्पोजिशन है जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, इट्स वेटिंग इन द पाइपलाइन,
तो वो सिमिलर फील लव सी आई एम अ लव पर्सन और रोमांस तो है ही रोमांस इज इम्पोर्टेंट तो दैट्स अगेन अ लव सॉन्ग और उसके बाद एक्चुअली अभी काफी लोग बोल रहे कि धड़कन रिलीज रीवैम्प करो रिविजिट करो तो आई विल डिसाइड यू नो व्हाट एवर पॉपुलर डिमांड कमिंग इन वील टेक अ पिक एंड वील डू इट. अच्छा रिसेंटली आर डी बर्मन की बर्थ एनिवर्सरी और बहुत कम लोगों को पता है कि आपकी फर्स्ट फिल्म में उनका म्यूजिक था वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड आर डी बर्मन म्यूजिक इन आजा मेरी जान. प्लीज शेयर समथिंग अबाउट दैट फिल्म एंड द सॉन्ग. All the song, that song, Aaja, Aaja, oh my God. वो सबसे पहला गाना मैंने सुना था इसी फिल्म में जो I was like very young, but my dad was saying the music is phenomenal और इतनी बड़ी कमी तो इसलिए I did the film. But yeah, of course, who can say that that song was phenomenal and underrated? Yeah. You're right, very. Actually, वो पिक्चर में था भी नहीं और तभी सोशल मीडिया भी नहीं था तो it could not even be marketed or released anywhere. But it was just a music video that came somewhere and went. Okay. Yeah. ग्रेट ग्रेट. सो इसके बाद और आपने ये तो बताया बट अगेन जो आपके फैंस हैं फिल्मों में कब देखेंगे वापस किसको आपको और किसको. अभी तो मैं सिंगिंग कर रही हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी सिंगिंग. वो सोचा ही नहीं है मैंने. ओके एक्चुअली वो फिल्म करने के बाद मैंने फिर किए नहीं और दैट वाज ओनली वन फिल्म. लोगों को लगता है कि शायद किया होगा बट मैंने एक ही किया था. और अभी तो आई एम एंजॉयिंग सिंगिंग मेकिंग माई वीडियोज नाउ. वाओ थैंक यू दानिया ऑल द बेस्ट. थैंक्स अ लॉट.